Yes, Prabhuji. Okay. बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो Oh.
बहुत सुंदर प्रभु जी, हर बार एक नया नया खजाना लेके आते हैं भजन। और मेरे को बहुत सोचना पड़ता है अभी कल कौन सा कराऊं तो अच्छा लगेगा। ऐसा करने से चित्त हमेशा वो भगवान का कीर्तन ढूंढने में या कीर्तन में ही रहता है। हाँ, तो एक इनडायरेक्टली भगवान का नाम ही हो जाता है। हाँ, यही होता है कि हम किसी भी डिवोटी को खुश करना चाह रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए, तो जितना ज्यादा खुश करते हैं तो हम भी उसमें लगे रहते हैं। तो यही एक चेतना का भी होता है कि कृष्ण भक्ति में हम लगते तो उसमें मतलब निरंतर लगे रहने वाला भगवत धाम जाता है। तो हमें बहाना चाहिए होता है, बहाना। तो ये यही किससे मिलता है कि जिसमें बोला गया कि सभी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर भी बोलते हैं और प्रभुपाद ने भी बोला हुआ कि निरंतर जब भी हमें टाइम मिले, हमारे पास स्पेयर टाइम है, तो हमेशा ही भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हमें उसको इधर टीवी में या कुछ इधर गप्पे मारने में नहीं लगाना चाहिए, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो फिर भौतिक हो जाता है, फिर वो इंद्रियों को जो भोग होता ना। तो आज जो चैप्टर है वो भी उसी के ऊपर है पूरा ही, देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो ये देवी स्वभाव है जो हम भगवान की भक्ति के लिए भजन लाते हैं, कीर्तन लाते हैं, डिवोटीज को सुनाते हैं, ये सारा ही देवी में बोला गया है। और जो इसमें नहीं रहता है, अपना टाइम मेटलिस्टिक में लगाता है पूरा और उसको पूरा ही धोता है, वो प्रभु जी इसमें आता है सारा आसुरी स्वभाव में। तो आज हम इसका देखेंगे भी कि कीर्तन और संकीर्तन का क्या महत्व है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी होते हुए हमें क्या इसमें मैसेज दिया हुआ है गीता के माध्यम से, वो आज हम पढ़ेंगे भी। तो बहुत ऐसा ही साथ बनाए रहिए, कल फिर परसों मॉर्निंग में भी। हाँ, दो ही दिन बाकी है ना प्रभु जी? हमारा अभी 3 दिन है। 3 दिन मतलब आज मिला के। हाँ, फिर 2 दिन हाँ बाकी हो जाएंगे, 17-18। तो कल तुम कल और परसों तो मॉर्निंग वाली क्लास में भी हैं आप? हाँ, उसमें भी आऊंगा मैं। हाँ, और आपके क्लास में भी आऊंगा। हाँ, यस। फिर अगला बैच होगा 7th से स्टार्ट होगा, उस समय देखेंगे क्या करना है। 7 फरवरी से। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। स्लाइड विजुअल है सभी को? यस प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप आ गए। यस यस, सुबह भी टाइम पे आना। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाऊंगा। हरे कृष्णा। आज बहुत ही सुंदर चैप्टर है। तो आप बोलते हैं हर बार ही सुंदर बोलते हैं, लेकिन ये गीता का है ही ऐसा कि इसे जितना भी जैसे हम किसी चीज को जैसे प्याज लेते हैं ओनियन, उसको जितना ज्यादा हम ऊपर वाला उसकी लेयर हटाते हैं तो उसका अंदर उतनी ज्यादा जो कहते नहीं कड़वा निकलता है उतनी ज्यादा और वो कलर उसका व्हाइट होता जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, ऐसे ही फूल हो गया तो जितना ज्यादा हम पंखुड़ियां उसकी हटाते हैं उसकी खुशबू सेंटर की तरफ जाते हैं वैसे ही बढ़ता है। ऐसे ही यहाँ पे है कि जैसे ही ये अंत होते आता है तो इसमें इतना ज्ञान है कि ज्ञान के लिए है, तो अगला जब देखते हैं तो ये कंप्लीट ब्रिजिंग होती है। कंप्लीट ब्रिजिंग मतलब पहला चैप्टर दूसरा, जैसे
कि 15 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, अश्वत्थ वृक्ष का पढ़ा हुआ है, और ये सेम आपने यहाँ पे जो है देव असुर साधन विभाग योग, मतलब देवी और असुरी स्वभाव बताए गए, और आपने 9वें चैप्टर में ये पढ़ा हुआ था कि देव तथा असुरों का वहां पे वर्णन किया गया था कि उनकी क्वालिटी कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ पे होते हैं कि कैसे स्वभाव हैं, तो इन दोनों में अंतर है। और सतोगुण में जो पहले भी बता चुके अभी तक, सतोगुण में मुक्ति होती है लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में मुक्ति नहीं होती है। जो गीता को बहुत सिंपल समझ सकता है वो इसमें 4-5 ही केवल पॉइंट है जो याद रखने हैं कि हम कौन से गुण में हैं, हमें किस गुण में जाना है। शुद्ध केवल सतोगुण में रहते हैं तो मुक्ति मिलती है, शुद्ध सतोगुण जो कि सतोगुण से ऊपर है, जो कि कृष्ण भावना भावित बोलते हैं, तो वहां पे हमें भगवत धाम मिलता है, वैकुंठ लोक बोलता है, जिसमें कि भगवान का खुद ही प्रकाश है, जिसमें किसी भी सूरज की जरूरत नहीं है, वो इतना दिव्य है कि वहां पे जो भी मनुष्य जाता है तो वो इतना आनंदमय जीवन को जीता है कि फिर पृथ्वी पर आने का उसका मन नहीं करता, क्योंकि वहां पे क्या है कि मोह जो 3 शब्द बोले गए हैं जिसको हम यहाँ पे भौतिक ही हमें खींचता है, लेकिन वहां पे नहीं खोजता, जो क्या है काम क्रोध और लोभ, ये ही हमें पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये भौतिक में सबसे ज्यादा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इनको हम जभी इनसे बच सकते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। तो यहाँ पे अब दैवी तथा आसुरी स्वभाव को हम समझते हैं तो हम समझ जाएंगे हम किस स्वभाव में है। हम जब सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा स्वभाव है हमारा, लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते, जिससे हम बार बार बताते हैं कि टेम्परेचर वाला, जिसमें बुखार बोला गया कि हमें बुखार है या नहीं, हम कैसे जान पाते हैं, जब हमें थर्मामीटर से चेक करते हैं। वैसे ही हमें अगर नॉलेज नहीं होगी, हमें वेद और शास्त्र की नॉलेज नहीं होगी तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हमें वेद और शास्त्र की नॉलेज बहुत जरूरी है। और जो इंद्रियां अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो मोह है और जो क्रोध है और जो काम है, वो तीनों ही हम उनसे विरक्ति हो जाती है, और हम धीमे धीमे स्वतः ही किधर जो कृष्ण भावना भावित है उधर हम लग जाते हैं। तो जैसे ये प्रभु जी माता जी हैं, ये क्या है, ये कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना अमृत है कि बोला और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है। अरविंद प्रभु जी जो श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं, शुद्ध भक्त को बोलना नहीं पड़ता, वो तो मौके देखते हैं कि श्री कृष्ण उनको कैसे मौका दे, कैसे कृष्ण भावना भावित हो, कहाँ लगे, तो इसलिए उनको जब भी मौका मिलता है वो संसर्ग और कीर्तन और संकीर्तन में लग जाते हैं, और जब भी किसी शुद्ध वैष्णव का उनको संग मिलता है तो उससे वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दैवी असुर और आसुरी, मतलब दैवी और आसुरी स्वभाव को क्या है और कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, और हम कैसे जान पाते हैं कि क्या क्या किसमें आता है। 16.1-3 मतलब 3 श्लोका एक साथ, श्री भगवान उवाचा अभयम सत्व संशुद्धा ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्य काम क्रोध त्याग शांतिर पशुनम दया भूतेश बलो लुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृता शौच मद्रो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम जातस्य भारतः। भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता मतलब जो निर्भय होता है, क्योंकि अगर आप निर्भय नहीं हो, आप डर जाते हो तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे छत्री है, छत्री अगर डर जाएगा तो वो क्या प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन छत्री जब युद्ध लड़ता है तो वो दिव्य माना जाता है, लेकिन जब युद्ध नहीं है और वो युद्ध नहीं है और तब वो तीर चलाए तो वो मोह माना जाता है, क्योंकि वो मोह के लिए कर रहा है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए करना है तो वो दिव्य माना जाता है। तो शास्त्र के आदेशों पे जो करोगे वो हमेशा ही दिव्य होगा, और शास्त्र के आदेश नहीं होंगे तो वो क्या होगा, आसुरी होगा। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान जैसे गीता का ज्ञान मैंने ले लिया, हम लोगों ने ले लिया, तो उनका अनुशीलन मतलब पालन करना चाहिए। दान, दानवीर होना चाहिए, लेकिन दान भी बहुत तरह के होते हैं, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा दान कितने के तरह होते हैं। जैसे सतोगुण में दान देना, रजोगुण में दान देना और तमोगुण में दान देना, ये गुण के हिसाब से ही दान होते हैं। जो सतोगुण में होगा वो भगवान पूजा अर्चना जो है उसका दान देगा, रजोगुण में जो होगा वो किसका होगा, स्त्री और पैसा के लिए क्या दान दे सकते हैं वो दान देगा, और जो तमोगुण में हो गया वो तामसी की जितनी चीजें होती, मीट मांस मच्छी है, वो अपने दान में देगा, ले जाओ इनको बना लेना, मैं तुम्हें दान देता हूं। तो ये दान भी उसी हिसाब से होते हैं, तो दान समझना पड़ेगा। केवल
गुड़ के हिसाब से दान देना दान नहीं होता, जो कि शुद्ध भक्ति में, शुद्ध जिसको बोला गया कि सतोगुण, उसमें भी शुद्ध, एक सतोगुण हो गया, शुद्ध सतोगुण वो होता है, वो कृष्ण भावना भावित बोलते हैं। तो दान हमें समझ के देना, आत्म संयम होता है, यज्ञ परायणता, यज्ञ परायणता मतलब यज्ञ करने के बराबर उसको दिव्य गुण होते हैं, वेद अध्ययन करता है और उसे मानता है, तपस्या करता है, तपस्या का मतलब ये नहीं कि वो जंगल में जाके तपस्या करे, तपस्या मतलब वो त्याग करता है, सरलता, बहुत सरल होता है हर चीज, वो उलझता नहीं है, भ्रमित नहीं होता है, अहिंसा, अहिंसा वो हिंसा नहीं करता, जीव हत्या नहीं करता है, सत्यता, सत्य हमेशा बोलता है, उसका साथ देता है, क्रोध नहीं होता है उसमें, वो त्याग करता है, त्याग मतलब किसका करता है, भौतिक का त्याग करता है, भौतिक जितनी इंद्रिय उसमें विशक्तियां होती उनका वो त्याग करता है, शांति, हमेशा शांति वाला चित्त हमेशा शांत रहता है, चाहे आंधी है चाहे तूफान है, चाहे उसको नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए, हमेशा शांत रहती है, छिंद्रांवेषण में अरुचि, और उसका किसी भी चीज में जो कि उसको भौतिक की तरफ ले जाते हैं उसमें अरुचि होती है, समस्त जीवों पर करुणा, और सभी जीव उसके लिए समान होते हैं और उनपे करुणा रहती है, लोभ भिन्नता, उसको लोभ नहीं होता कि मुझे इतना मिल जाए उतना मिल जाए, भद्रता, वो किसी की भद्रता नहीं कर सकता है, अभद्रता जिसको बोलते हैं, लज्जा, संकल्प, लज्जा उसको, लज्जा के लिए वो करता है कि लज्जा ऐसे कर्म काम न करे जिसमें लज्जा आए, उसे संकोच हो, संकल्प वो हमेशा डिटर्मिनेशन वाला होता है कि इतने 8:30 पे श्लोक का सुनने आएंगे तो आना है, ऐसा नहीं आलस आ गया, क्योंकि आलस आ जाएंगे संकल्प पूरा नहीं होगा तो आप तमोगुण में गिर जाएंगे, तेज, उसको तेज और क्षमा धैर्य, तेज मतलब ऐसा नहीं तेज जिसको बोलते हैं कि वो लड़का बहुत तेज है या वो लड़की बहुत तेज है, जिसको हम चली चली बातें बोलते हैं कि करते हैं, वैसा तेज नहीं, तेज मतलब जो ऐश्वर्य वाला तेज कि जिसको लोग बोले कि हाँ उसका दिमाग बहुत तेज है, वो उसको वेद की नॉलेज है, उसको बहुत तेज है, ऐसा वाला तेज, क्षमा, वो क्षमा हमेशा करता है, माफ कर देता है, धैर्य रखता है, पवित्रता होती है, ईर्ष्या नहीं करता है, और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, ये सारे बताए गए। अब इसके विपरीत जो नहीं मैच करता, जैसे एग्जाम्पल देते हैं असुर, तो असुर क्या होता है, इंद्रियों का उनको भोग चरम लक्ष्य होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल देखा कि अगर एग्जाम्पल दे चैट में लिखे कि इसके विपरीत अगर हम देखें तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या है असुर के, कौन कौन असुर बोलेंगे, चैट बॉक्स में डालें कोई असुर का नाम, नहीं असुर का नाम पूछ रहे हैं, ग्रीड नहीं, लालच काम, असुर का नाम आप अपने हिसाब से बताइए कि असुर का नाम, हाँ बरकासुर, बकासुर था, बरकासुर नहीं बकासुर, और होलिका रावण, हाँ हाँ दिनेश प्रभु जी ने बिल्कुल सही डाला, होलिका करिश्मा माता जी ने भी सही डाला, रावण जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रावण हो गया आपके, कंस हो गया, हिरण्यकश्यप हो गए, ये तीन इतने अच्छे एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने क्या हुआ कि इतना ज्यादा मोह आ गया, रावण को देख लो, उसको वेद की नॉलेज थी, सभी नॉलेज थी, ब्राह्मण के जितने भी नॉलेज होती उसमें शास्त्र वेद उसे सब पता था, लेकिन क्या हुआ उसको तीन चीजें जो होती हैं वो काम क्रोध और लोभ वो उसको ले डूबी, और वो किसमें चला गया, जिसमें कहते हैं इंद्रियों का जो भोग करना वो चरम चरम जिसको बोलता है लक्ष्य हो जाता है उसका, उसने उसकी वजह से वो किसी चला गया, वो असुर प्रवृत्ति में चला गया, ये पहचान होती है, तो ऐसे जो हैं उनको बोलते हैं कि हम ये असुर था, तो ये सबसे अच्छी पहचान है असुर की, इसमें इसके तीन ही शत्रु होते हैं, अगर हम दिव्य गुण में हैं तो उसके तीन शत्रु हैं जो आपको उधर खींच के ले जा सकते हैं, कि जिधर ले जा सकते हैं किधर, कि जिसमें कि काम क्रोध और लोभ यही आपको ले जा सकते हैं, उसके अलावा आपको चौथा कोई नहीं जो उधर ले जाए, लेकिन इन तीनों को भी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो पहले बोला हुआ कि भगवान की पूजा अर्चना करना, मेडिटेशन करना, माला जप करना, माला जपा करना, और प्रसादम जैसा भोजन खाना, तो उससे शुद्धि आती है, जब भी आप इस्कॉन मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको प्रसादम जरूर मिलेगा, और प्रसादम खा के हम शुद्ध होते हैं, जैसे हमने नारद मुनि की जो आपको स्टोरी सुनाई थी, और ब्रह्मा जी वाली जो कल हमने छोड़ी थी वो थोड़ा आज लास्ट में आधी पूरी करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा है स्वभाव, इतने स्वभाव आप कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सभी मनुष्य के लिए बने हुए हैं, और ये आप कर सकते हैं, तो आप उसमें दिव्य पुरुष जैसे बोलते हैं,
उसमें आप रह सकते हैं और आप असुर प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे। अब छंद 16.13 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण परलौकिक हैं। बड़ा आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे परलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। जब उठने की सब बारी आती है तो श्रील प्रपाद का आप देखेंगे जो पिक्टोरियल दिया गया है, पिक्चर दी गई है, उसमें वो माला पकड़े हुए हैं। तो ये माला दीक्षा दी जाती तब दी जाती है। तो दीक्षा किस लिए दी जाती है इसको भी समझ सकते हैं कि दीक्षा इसलिए दी जाती है, जब दीक्षा देते हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है, जो लेना चाहता वो ले सकता है, लेकिन जो दिव्य गुण में रहता है वो इसको जरूर लेता है। क्योंकि दीक्षा क्या करती है, शास्त्र को पिता के रूप में बोलती है और जो गुरु होता है उसको माँ। अब होता क्या कि अगर हमने दीक्षा नहीं ली तो हम क्या करेंगे, सुबह हम सतोगुण से उठेंगे और रात तक हम तमोगुण में पहुंच जाएंगे, पर ये पूरे दिन ही आपको सतोगुण में रखेगा या शुद्ध सतोगुण में रखेगा, कृष्ण भावना भावित रखेगा। कैसे, आपने दीक्षा ले ली तो दीक्षा में आपको चार जो रेगुलेशंस होते वो प्रिंसिपल मानने पड़ते हैं। पहला क्या, नो मीट ईटिंग, मतलब आपको मीट नहीं खाना है। दूसरा क्या हो गया, नो अल्कोहल, आपको अल्कोहल नहीं पीना है, दारू नहीं पीनी है। तीसरा हो गया नो गेमलिंग, आपको जुआ नहीं खेलना है। और चौथा हो गया अनैतिक संबंध, इलिसिट सेक्स, जो सेक्स डिजायर होती है वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं बनाना है। तो ये आप उसको वचन दे देते हैं और फिर ये आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सुबह हो जाए चाहे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, आपको वो गुरु की हमेशा याद रहेगा। अगर आपने दीक्षा नहीं ली तो क्या करेंगे, सुबह आप अच्छे कर्म करके पूजा पाठ करके निकले, दोस्त मिल गया बहुत अच्छा है, बोला चल शाम को आज बियर पीते हैं, आपने बोल दिया, आपको बंदिश तो है नहीं, दीक्षा आपने ली नहीं, आप पी भी सकते हैं, हम तो फ्री हैं, आपने पी ली तो पी ली, फिर आप चले गए तमोगुण में, फिर रात में लेट आए, फिर लेट सोए, सिर में दर्द हुआ, फिर सुबह उठे, फिर ऐसे रूटीन चलता। लेकिन दीक्षा आपको बांध देती है, क्योंकि गुरु आपको जो दीक्षा देता है तो आपको दारू पीने का हमेशा भय बना रहता है, क्योंकि गुरु ने मना किया हुआ है। अब गुरु के मना करने पे आप कंट्रोल रहते हैं, आप टाइम पे पूजा करते हैं, टाइम पे आप माला जपा करते हैं, आप प्रसादम जैसा भोजन खाते हैं, तो हमेशा ये एक जो कहते हैं कि वेद शास्त्र के द्वारा, तो इसमें यही होता है कि दीक्षा अगर जो ले लेता है वो बहुत जल्दी फास्ट वो अपने मन को जो होता है इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता मन को, क्योंकि आपको 16 माला चेंट करनी है, प्रसादम जैसा प्रसाद बना के खाना है और आपको 4 जो प्रिंसिपल है वो मानने हैं। तो इसमें यही बोला गया कि जो ये गुण होते हैं वो गुण बहुत जल्दी आते हैं, अगर हम दीक्षा ले लेते हैं तो हम वहां पे टिके रहते हैं, नहीं तो गिरने का डर रहता है। तो इसमें लिखा हुआ ना कि धीरे धीरे परलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है, ठीक है, तो संभव हो जाता है। 16.4 दम्भो दर्पो अभिमनाश क्रोधा पार्श्व में विचह अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादम असुरीम। हे प्रथा पुत्र, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारी आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। आसुरी स्वभाव क्या, जो समझे कि आसुरी स्वभाव वो होता है जो कि इंद्रिय भोग की परम लक्ष्य होता है, परम सीमा पर जो पहुंच जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि शक्ति आ गई, जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत ध्यान किया, बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया, पूजा की, त्याग किया, उसके बाद उसको वरदान मिला, लेकिन उस वरदान के भी वो भगवान के अंगेष्ट हो गया कि वो घर में ही उसको भगवान को विष्णु की पूजा करने वाला उसको पसंद नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, अहम भगवान अहम भगवान, तो वो उसको इतना ज्यादा अहम आ गया। तो क्योंकि उसको काम की जो लालसा है, काम की आ गया, मोह की आ गया, क्रोध आ गया, तीनों चीजें आएंगी तो उसकी जो बोलते हैं कि इल्यूजन जिसको होता है कि बुद्धि उसकी हर ली जाती है, उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, तो वो भगवान विष्णु से ही बैर कर बैठा और फिर उसके बाद सभी को ही पता है कि क्या हुआ, उसका वध कर दिया गया। तो ऐसे करके जब होता है कि जो कि दम्भ जो भर लेता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, दर्प उसको अभिमान भी आ जाता है, क्रोध भी होता है, बहुत कठोर भी होता है, जल्दी पिघलता नहीं है, दयालु नहीं होता है, और अज्ञान अज्ञानता तो उसकी भरी हुई होती है, वो ज्ञान होते हुए भी अज्ञान तरफ चला जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं वो असुरों के गुण हैं, असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। 16.5 देवी संपत्ति मोक्षा है निबंधा यासरी मतः महासुचा संपदम देवी माँ विजातो अस पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, मतलब जो दिव्य गुण पहले बताए गए हैं वो मोक्ष के लिए, मोक्ष जब भी मिलेगा जब दिव्य गुण होंगे, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। तो
इसमें जो बोला है कि मुक्ति कब मिलती है, जब हम सतोगुण में रहते हैं, और शुद्ध सतोगुण जो कि कृष्ण भावना भावित है उसमें हमें मोक्ष मिलता है, और हम कहाँ भगवत धाम जाते हैं। और रजोगुण और तमोगुण में जो रहता है उसको ना मोक्ष मिलता है ना मुक्ति मिलती है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब यहाँ पे एक बात देखते हैं आपकी, भगवान अभी तक तो सारी दुनिया के लिए बताते हैं, पर बहुत जगह उन्होंने उसको अर्जुन को क्या बोला है, कभी शुद्ध भक्त बोला है, कभी बोला कि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इसके मतलब कि हमारा जो गुण है, क्वालिटी है, वो हमारे गर्भ में ही निश्चित हो जाते हैं। जैसे अभिमन्यु, उन्होंने पूरा व्यूह की रचना जितनी सुन पाई थी वो माँ के गर्भ में ही सुन ली थी, उसके बाद जब माँ सो गई तो वो सुन नहीं पाए। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो हमारे गुण होते हैं, जितने भी गुण हैं, अच्छे या बुरे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो सब गर्भ में ही डिसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि जो अर्जुन थे वो एक जैसे ही हनुमान जैसे शुद्ध भक्त थे, जिस हनुमान राम जी के भक्त थे ऐसे ही अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त थे, इनमें कोई अंतर नहीं, दोनों ही, पर एक एक साख में है और एक दास में है, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पे खुद साबित कर रहे हैं कि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, इसके मतलब वो देवी गुण वाले हैं, वो असुर नहीं है। 16.6 दो भूत सर्गो लोकेश मन देव आसुर एव चाह देवो विस्तर साह प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुर। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। वो कह रहे कि जो प्राणी है वो दो ही प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। अब ये बिल्कुल सही है कि या तो हम आसुरी में परिवर्तित होंगे, एक भी अगर हमारे गुण नहीं मैच करते होंगे, या तो सारे मैच करते होंगे तो हम दैवी होंगे, तो ये दो ही हो सकते हैं, बीच का कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, पहले वो देवी गुण बता चुके, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब वो आसुरी गुणों के विषय में अभी बताएंगे। 16.7 प्रवृत्तिम चा निर्वृत्तम जा चना विदुरासुरा ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम ते सुविद्यते। हे जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें तो ना पवित्रता ना उचित आचरण ना ही सत्य पाया जाता है। जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि आपकी इच्छाएं हैं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, लेकिन आपका आप बंधे नहीं हुए हैं, आप एक माला जप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बंधे हुए नहीं, तो इसलिए बंधना बहुत जरूरी होता है, तो उससे डिटर्मिनेशन आती है, तो उससे सिंसियरिटी आती है, पंक्चुअलिटी आती है, हम शुद्ध चित्त वाले होते हैं, दिव्य गुण वाले होते हैं और कृष्ण भावना भावित होते हैं। अगर हम बंधे हुए नहीं तो ना हमारा टाइम है आने का, ना जाने का, ना पीने का, ना खाने का। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कि जो आसुरी है वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो जानते नहीं, क्योंकि मदरा पीनी है नहीं पीनी है, मीट खाना है या नहीं खाना है, उन्हें पता ही नहीं होता है। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है, उनमें पवित्रता नहीं होती है, ठीक है, और ना उचित आचरण होता है, उनका आचरण भी सही नहीं होता है, और ना ही सत्य पाया जाता है, ना वो सत्य बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री श्री भगवान महाप्रभु चैतन्य जब सन्यासी थे, आदर्श सन्यासी जिसे बोला जाते हैं, और वो पुरी में रहते थे, तो उनके जो भी भक्तगण आते थे उसमें पुरुष भी होते थे, महिला होते थे, तो पुरुष तो उनके पास जाते थे, पैर स्पर्श कर लेते थे, लेकिन महिला उनके पास जाकर चढ़ स्पर्श नहीं करते थे, उन्होंने इतना दूर रखा हुआ था, क्योंकि उनके आसपास जो भी जो भक्तगण और रहते थे उनकी नजरें सही नहीं होती थी, तो इसलिए वो अपने पास कभी भी आने नहीं देते थे, दूर से ही नमस्कार करते थे और प्रणाम करने के लिए आदेश देते थे। उनका एक निजी पार्षद था जिसका नाम हरिदास था, और वो पार्षदों की संगत में जो और संगत थे जो बातें करते हैं किसी की महिला के बारे में, किसी के कुछ में, क्योंकि ये आचरण होता है, तो वो तो उनको पता चला कि उसने, जबकि ज्यादा बुरा भी नहीं बोला हुआ था, बस कुछ उन्होंने आपस में पार्षद ने बोला तो उनको पता चल गया कि हरिदास नाम के पार्षद ने कुछ बोला है, उन्होंने उसको तुरंत उसको निकाल दिया, उस पार्षद की संगत से निकाल दिया। तो ये होता है लक्षण, शुद्ध लक्षण, जिसको कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा आसुरी गुण वाला है, कौन सा देव गुण वाला, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा ही नजर रखते थे कि कोई भी ऐसा ना हो जिससे कि किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि असुर प्रवृत्ति किसी को भी पसंद नहीं है, वो अपने आसपास भी दिव्य गुण वाले ही देखना चाहते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि उसमें ना तो पवित्रता होती है, ना आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। अब वो कभी भी काम वासना नहीं छोड़ पाता है, जब भी उसे मौका मिलता है वो इंद्रिय जो भोग बोलते हैं वो कर लेता है। 16.8 असत्यमा प्रतिष्ठम ते जगदाहरणी स्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यात काम है तुकम। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। कौन कहता है? आसुरी वाले क्या कहते हैं? ये जगत मिथ्या है। रावण कहता था ये जगत मिथ्या, मैं भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप बोलता था मैं भगवान हूँ। कंस बोलता था मैं भी भगवान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो पृथ्वी पर आया हूँ, कभी मराऊंगा ही नहीं। इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। वो ईश्वर को मानता नहीं है और ना इस जगत को मानता है, ना किसी नियम को मानता है। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। कामेच्छा से, काम वासना, काम से उत्पन्न होता है हर चीज, इंद्रिय भोग। तो इसमें क्या आ गया? तीन चीजें आ गई जो कि शत्रु होती हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये ही उनका बध का कारण बना। कंस भी इसी की बध का कारण बना, हिरण्यकश्यप भी बना और रावण भी बना। तो इसलिए ये असुर लोग ये बोलते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। 16.9 ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो युद्ध होते हैं, जैसे एटम बम डाल देना या युद्ध हो जाना, मिसाइल छोड़ देना, जिसमें कि सैकड़ों हजारों जाने चली जाती, वो कौन करता है? वो दिव्य गुण वाला कभी नहीं करेगा, देवता गुण वाला कभी नहीं करेगा, दैवी गुण वाला कभी नहीं करेगा। वो कौन करेगा? आसुरी स्वभाव वाला। तो आसुरी स्वभाव वाला करता है। और जो दैवी गुण होता है उसमें होता है कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये समझना पड़ेगा। दैवी गुण का मतलब होता है भगवान को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो आसुरी स्वभाव वाला ये पसंद और नापसंद का नहीं होता है, वो हमेशा वही काम करता है जो उसके मन का होता है, क्योंकि वो उसको ज्ञान तो है ही नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा, पाप होगा, पुण्य होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो संसार का हमेशा विनाश करने के लिए तत्पर रहता है। 16.10 कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र कर्म कौन से होते हैं? जो कि वेद शास्त्र में नहीं लिखा, जिसमें कि इलिसिट रिलेशनशिप हो गया, गेम्बलिंग हो गई, मीट ईटिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, तो ये चीजें रहती। तो ये हमेशा हमें सतोगुण से नीचे गिरा देती, जिसमें रजोगुण तथा तमोगुण होता है। तो इससे जो चार है उससे ये समझ सकता है कि हमें बड़ा ही इस अगर धरती पे देखा जाए तो हमें वेजिटेबल्स दिए हैं, फ्रूट दिए हैं, ठीक है, दूध दिया हुआ है, फल दिया हुआ है, अन्न दिया हुआ है। ये सब कुछ होते हुए भी आजकल लोग क्या है, पशु का मांस खाते हैं, होते हुए भी पशु का मांस खाते हैं। एक तो नहीं हो, होते हुए भी खाते, तो इट मीन्स वो तमोगुण में है, वो तमोगुण में रहना ही चाहते हैं, वो खाते हैं। और इससे होता क्या है, अब बताते हैं कि जीव हत्या क्यों मना है। कि जब आप मीट खाते हैं तो जिस जानवर की मृत्यु हुई है, जिसने देह त्यागा है, उसकी कुछ उम्र रही होगी कि चलो ये 20 साल जिएगा, लेकिन असमय मृत्यु उसकी कर दी गई, तो वो 10 साल जो बचे हुए हैं वो 10 साल में दूसरा जन्म नहीं लेगा। जब तक अच्छे कर्म वाला अगर मनुष्य का जन्म लेना, दोबारा उसको 10 वर्ष का है, वो दोबारा जानवर का जन्म लेना पड़ेगा। वो एक बार उसने लिया असमय मृत्यु होगी, तो दोबारा जितना शेष भाग है वो फिर शेष पूरा करेगा। तो उसके बाद उसको जो पूरा करने पाप के हिसाब से जो जन्म लेना होगा, दोबारा मनुष्य का जो भी जन्म होगा वो दोबारा मिलेगा। तो ऐसे जो कर्म करते हैं उनको बोलते हैं कि ये सब आसुरी गुण वाले हैं। और आसुरी गुण जो होते हैं या दैवी गुण होते हैं, वो माँ के गर्भ से ही आते हैं, प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारा पहले ही जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य होते हैं वो हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने पूरा ही एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 16.11 और 12 उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्त के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो जो नहीं वेद शास्त्र को समझ पाता है, मिथ बोलता है, वो लास्ट तक मरने तक उसको ये नहीं पता ये टेम्पररी है। वो शाम को सोएगा, सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा,
लेकिन वो इंद्रिय के लिए, इंद्रिय भोग के लिए इतना लालसी रहता है, जहां भी मौका मिलेगा किसी की जमीन हड़प लेगा, किसी की स्त्री हड़प लेगा, किसी का जमीन और जायदाद ले लेगा, किसी का मकान ले लेगा, पूरा सुबह शाम इसी में रहता है कि किधर से और पैसा और पैसा। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो पैसा लेके ही नहीं जा पाता, बैंक बैलेंस अपने बच्चों के लिए छोड़ के चला जाता है, खुद पूरे दिन पाप करता रहता है, फिर वो पाप का भागी बनता है, और रजोगुण तमो गुण में रहने के बाद वो पूरा क्या जो जानवर का वो जन्म लेता है। तो ये तो जैसे और समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं साइंस इज नॉलेज, तो हम उस नॉलेज का यूज करते हैं कि साइंस इज नॉलेज और जो वेद है वो मिथ है, तो उसको जब समझ लेते हैं तो ऐसा भी ये भी हमारा आसुरी प्रवृत्ति है। जब ऐसा हम समझ लेते हैं कि सब कुछ हो रहा है वो, अब इसको दूसरा समझ सकते हैं कि हमारा जो मानव सभ्यता क्या होती है कि कोई जैसे किसी को प्रमोशन मिला तो उसने पार्टी रखी तो वहां पे चारों चीजें चली उसमें, कि गैम्बलिंग भी हुई, मीट ईटिंग भी हुई, इंटॉक्सिकेशन हुआ, इलिसिट रिलेशनशिप भी हुए। ठीक है, किसी के स्टूडेंट के परसेंटेज ज्यादा अच्छे आ गए तो उसके दोस्त बोलेंगे चल पार्टी दे दे, वहां पे फिर दारू पार्टी होगी। तो हम मौके खोजते हैं क्योंकि हम नॉलेज होते हुए भी हम नॉलेज का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम अशुभ प्रवृत्ति में चले जाते हैं। 16.13 से 16.15, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना किंतु है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे पास इतना धन है, मैं और धन कमाऊंगा, इस धन से और धन कमाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे गलत कर्म ही क्यों ना करने पड़े। और वो भविष्य में भी हमेशा ही इंद्रिय भोग के लिए ही सोचता है, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। वो कह रहा कि अगर उसके बीच में भी कोई आएगा, शत्रु आएगा जो कि उसकी लालसा के बीच में आएगा, तो उसे भी मार दिया जाएंगे। इसलिए स्त्री के लिए जमीन और जायदाद के लिए बहुत सारे झगड़े होते हैं और मारे भी जाते हैं, और मैंने उस शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, वो सोचता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना पैसा है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मैं सबका स्वामी हूँ, यही घमंड उसका बध करता है। मैं भोगता हूँ, मैं इंद्रिय भोग करता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। वो कह रहा कि मुझमें सभी है, मुझे सिद्धियां हैं, मैं शक्तिमान भी हूँ, सुखी भी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, तो वो आसपास मेरे जैसे ही संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं। वो सोचता है कि मेरे पास ही बहुत पैसा है, मेरी सब रिस्पेक्ट है, मेरे बराबर कोई नहीं है, सब मेरे नीचे रहेंगे और मुझे वो रिस्पेक्ट देंगे। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। वो कह रहा कि मैं यज्ञ करूंगा और दान दूंगा, इस तरह मैं आनंद। लेकिन जैसे भी पहले बता चुके हैं कि यज्ञ किस तरह करना है और दान तमोगुण सतोगुण या रजोगुण में देना है, तो लेकिन दान दूंगा, दान देने से काम नहीं चलेगा, दान किस उसमें गुण में दिया जाएगा वो ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ऐसे अज्ञानवश जिसको अज्ञानता रहती है वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, किसका, इंद्रिय भोग का। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप देख सकते हैं आप, कंस का और रावण का एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और ऐसा बोला गया है कि जो हमारा जो चार हमारे जो बताए गए कि नियम पालन करने होते हैं, और उसके साथ साथ हमें जो चार को हमारे जो जीवन होता है, जैसे 100 साल का मान लें उसको चार में ब्रेक किया जाता है, 100 सीवित, तो उसे पहले के जो 25 वर्ष हैं, मतलब पैदा होने से 25 वर्ष तक, उसको ब्रह्मचर्य का बोला गया जो वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। अगले 25 से 50 वर्ष तक उसको क्या है, गृहस्थ जीवन रहना है, उसमें अपने फैमिली के साथ रहना है, और उसके बाद 50 से 75 साल जो है उसको वानप्रस्थ रहना है, और 75 से 100 साल जो है उसको क्या करना है, संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। श्रील प्रपाद ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने 50 साल उम्र होते ही क्या लिया था, वानप्रस्थ ले लिया था, और वो वृंदावन चले गए थे और वहां पे वो मंदिर में रहे थे। उसके बाद 20 साल उन्होंने, मतलब 25 साल जैसे बोलते हैं कि वो पूरा ही उसमें उन्होंने वानप्रस्थ में लगाया, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाके ये पूरा ही श्री कृष्णा का जितना भी श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन था, सरस्वती ठाकुर ने जो उनको बोला हुआ था वो पूरा ही उन्होंने कर दिखाया। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, ये होता है शुद्ध भक्ति, दिव्य गुण। तो इसमें हम जब भी ऐसा करते हैं तो ऐसा वेद और भी बोला गया कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बोलता है कि जो भी निरोध विधियां होती कॉन्ट्रासेप्टिव जिन्हें बोलते हैं वो भी दिव्य गुण नहीं है, वो भी आसुरी गुण में आते हैं। तो अपने मैथुन पे जीवन पे संयमित करना होगा उनपे, नहीं तो वो भी आसुर प्रवृत्ति में आते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आसुर प्रवृत्ति क्या है और दैवी गुण क्या है, तो उन गुणों को, आसुरी गुणों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे
और शुद्ध सतगुण में जा पाएंगे और उसके बाद हम वैकुंठ लोक पहुंच पाएंगे। 16.16 अनेक चित्त विभ्रांता मोल जाल समावृता प्रेक्षकता काम भोगेशु पतंत नरकेशु। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। वो कह रहे कि उन्हें इतनी चिंताएं होती हैं, हाय पैसा, ठीक है, सुंदर स्त्री, पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, हम पैसा, मेरा पैसा, मैं सबसे अमीर, मेरी रिस्पेक्ट हो, मुझे नौकर चाकर मिले, बाहर निकले तो गाड़ियां लंबी लंबी हों, बस इसी में पड़ा रहता है। लास्ट तक उसके दिमाग में यही रहता है और उसके जो भी फिर दिन बचते हैं शेष उसमें वो ऐसे ही करते करते उसका एक दिन निकट आ जाता है। कोई पूरी जिंदगी जी पाता है, कोई कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ असमय मृत्यु हो जाती है। तो ये सब वो समझ नहीं पाता कि ये सारा जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन तब भी वो इसमें काम क्रोध और मोह में पड़ा रहता है। उसकी वजह से वो इंद्रियों का भोग चरम जो लक्ष्य होता है भोग करता है और वो नीचे गिर जाता है। 16.18 अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम सा संसृतः मामात परदेहुस प्रदंशतो अभ्यसुकः। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्त अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अब इसमें ये बोला गया कि शिशुपाल, देख लीजिए, जब वो राज्यसभा में आए तो सभी ने उनको मान लिया था कि हाँ ये भगवान हैं और सभी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन शिशुपाल नहीं समझ पाया और उसने उल्टा सीधा बोलना चालू किया। तो प्रभु ने बहुत माफ किया, बहुत सुना, लेकिन फिर अगर वो शांत बैठे रहते, कुछ नहीं करते, तो एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि असुरी की जीत हुई। तो उन्होंने अपने जो भी उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनको शेल्टर प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, तो उसका वध कर दिया। तो ये होता है कि जो भी अहंकारी होता है वो अपने बल पे इतना विश्वास करता है कि मेरे अलावा किसी पे शक्तिशाली नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जिसने उसको क्रिएट किया हुआ है, ऑल क्रिएटर्स है, वो सबसे पावरफुल है, वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड हेड, वो उसके पास ऐसी पावर है कि वो उसका वध कर सकता है। तो ये हमारा जो आसुरी गुण है, जो इसमें बार बार आता है कि आसुरी गुण है, वो गर्भ में ही हम प्राप्त कर लेते हैं। और जो शास्त्रों का आदेश मानता है वो दिव्य गुण में होता है, जो शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करता है वो देव नहीं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री में युद्ध हो, तो युद्ध में जो भी मारे जाएंगे, चाहे उधर के या इधर के, तो मान लो उधर के मारे जाते हैं तो इधर वालों को ना तो कोई सजा होगी ना फांसी होगी, उन्हें उल्टा मेडल ही मिलेगा। लेकिन अगर युद्ध नहीं होता है तब अगर आप मार देते हो तो आपको पूरा ही उसका पाप जो होता है पाप भोगना पड़ेगा और उसको आपको दंड भी मिलेगा। तो ये रक्षा के लिए, जैसे एक छत्री है तो छत्री का परम कर्तव्य है कि वो रक्षा करे, ठीक है, और रक्षा अगर नहीं करता है तो भी पाप है, और उसके लिए रक्षा करने के लिए युद्ध करता है और बाढ़ चलाता है और उससे भी जितनी भी मृत्यु होती है तो उसको वो पाप नहीं रखता है, क्योंकि वो उसका कर्म है, छत्री का कर्म है, क्योंकि वो भगवान की लीला से हो रहा है। और अगर वो युद्ध नहीं है और ऐसे ही निकल जाता है और असुरी प्रवृत्ति का है, अब वो बाढ़ चला के मार देता है, जैसे कि टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट निकलते हैं और गोलियां चला देते हैं चारों तरफ और लोग मर जाते हैं, वो सारा आसुरी प्रवृत्ति बोली गई है। 16.19 जो लोग ईश्वाल तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। भगवान कह रहे कि जो ईश्वालु हैं तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। मतलब वो आसुरी योनि में रहते हैं, वो भिन्न निकल नहीं पाते हैं इससे, मतलब हमेशा ही जन्म 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 लेते हैं, फिर आसुरी, क्योंकि वो इंप्रूव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आसुरी प्रवृत्ति है तो अगली बार हम सोचे कि ये कोई ऐसा साइकिल है कि सिक्का उछाला तो अगली बार हम देवी गुण में आएंगे, अगली बार आसुरी गुण में आएंगे, इसका कोई कर्म से लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है, अगर आप जो गुण बताए गए आसुरी गुण में है तो हर बार ही आप असुर का ही वो जन्म लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा देवी गुण बगैर लाए दूसरा जन्म मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 16.20 हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वो कह रहे कि आसुरी योनि वाले बारंबार भी जन्म ग्रहण कर लें तब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति मतलब हो गया और नीचे गिरते जाते हैं,
कि जैसे वो पहले उन्होंने जानवर का जन्म लिया, मान लो शेर है तो थोड़ा अच्छा होता, राजा माना जाता, उसके बाद वो गीदड़ का लेगा, फिर उसके बाद और नीचे फिर डॉग का लेगा, फिर और नीचे जो निम्न नीचे बिल्कुल गिरी हुई है कीड़े मकोड़े उसमें जन्म लेगा, तो उसकी अधम गति हमेशा गिरती जाती है। 16.21 त्रिविधम नरक सेधम द्वारम नाशन नाम तथा काम क्रोधस्तः लोवास्तम दे त्रिह त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं। अब वो कह रहे कि नरक जाने के लिए तीन द्वार हैं, इन द्वारों को अगर बंद कर देंगे तो नरक नहीं जाएंगे। तो पहला क्या है? काम। दूसरा क्या है? क्रोध। और तीसरा कौन सा है? लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वो इन्हें त्याग दे। अब इसमें बोला गया कि बुद्धिमान व्यक्ति, जो भी बुद्धिमान है वो इन्हें तुरंत ही त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है, नहीं तो इससे क्या होता है, आत्मा का पतन हो जाता है। तो इसलिए इनको तुरंत त्याग देना चाहिए, नहीं तो आसुरी परिवृत्ति में आ जाएंगे और आप उससे गिर जाएंगे। तो इसमें आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे स्त्री का एग्जाम्पल लेते हैं, स्त्री का बाल्यकाल जब छोटी बच्ची होती है तो उसका पिता उसकी रक्षा करता है, और तरुण में, तरुण मतलब जवानी में उसका पति उसकी रक्षा करता है, ये समाज का बनाया हुआ है। अब बुढ़ापे में वो संतान द्वारा रक्षित की जाती है। लेकिन आसुरी परिवृत्ति, इस आसुरी परिवर्त होते हैं वो उसके उल्टे होते हैं, तो आसुरी परिवृत्ति से बचाने के लिए ऐसे ही दिव्य गुण वाले लोग उनको उनकी रक्षा करते हैं। और आसुरी परिवृत्ति में एक सबसे बड़ा जो गुण पाया जाता है वो है पशुबदी। वो पशु वध जरूर करते हैं, मतलब पशु हत्या जरूर करते हैं, और ये उनमें प्रधान होता है। ये यहाँ पे पहचान बताएगी कि आसुरी परिवर्ति वाले उनका मेन जो होता है पहचान होती है वो उसमें ये गुण होता है कि पशु वध, पशु हत्या वो जरूर करता है। और वो ही आसुरी अगर आज भौतिक में देखें कलयुग में वो ही युद्ध छेड़ते हैं, और युद्ध होगा भी भविष्य में तो आसुर प्रवृत्ति वाले से ही होगा, और उसमें हथियार जो भी जैविक हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, वो भी चलाए जाएंगे जिससे कि मूल नाश हो जाएगा। तो ये सब उनके गुणों की वजह से ही होता है। 16.22 आयते विमुक्ता कौनते है तमो द्वार विस्तर निर्भरा आचार्य त्यामन श्रेष्ठ हो याति पराम गति महा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार के अनुसार पर गति को प्राप्त होता है। वो कहता है इन तीन नरक द्वारों से जो भी बच जाता है तो वो कहाँ जाता है, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज बोलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में जो पाथ दिखाया गया सीढ़ियां कि एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, जो पहला, अगर आपको कोई भी दुविधा है और आपको समस्या है तो आप सबसे पहले किसी भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लें, जैसे कि अर्जुन ने ली हुई थी, स्टडी ऑफ द वेदा, और वेद की आप स्टडी करें, जैसे कि गीता की स्टडी करें आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिसिटी, आप उसमें भगवान में पूजा अर्चना में लगाएं, शुद्ध भक्त बने। उसके सेंस कंट्रोल, जब आप जपाक चालू कर देंगे और फोर प्रिंसिपल मानेंगे और प्रसादम जैसा भोजन खाएंगे तो आपका सेंस है वो कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब सेंस कंट्रोल हो जाएंगे तो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा तो बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी तो आपका जो आत्मा है वो पवित्र होने लगेगी, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे। उसके बाद आप स्पिरिचुअल नॉलेज में जा सकते हैं, हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज में आप बने रहेंगे। 16.23 यह शास्त्र विद मृत्यु मर्तते काम कारता ना सा दिध्य ममान पोती ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, वो कह रहा है कि जो गीता में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम उसे नहीं मानते हैं, तो अभी क्या होता है, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, और वो मानता भी नहीं है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है। जो उसमें लिखा हुआ कि जीव हत्या नहीं करनी है तो वो जीव हत्या करेगा, अनैतिक संबंध नहीं बनाते तो वो बनाएगा, दारू नहीं पीना तो दारू पिएगा, उसके बाद मीट नहीं खाना तो मीट खाएगा। तो ये सारा उसको अपने मनमाने ढंग से करता है, वो किसी भी वेद और शास्त्र में जो लिखा गया उसको नहीं मानता है। उसे ना तो सिद्ध ना सुख ना ही परम गति की प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद उसे क्या सुख नहीं मिलेगा, उसको सिद्धि भी नहीं मिलेगी और परम गति। और सिद्ध क्या होता है, जिसमें कि कृष्ण भावना भावित होता है, वो हमें वैकुंठ लोक जाता है, तो वो उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। 16.24 तस्मा छात्र शास्त्र हम प्रमाणम ते कार्य कर विस्तृत हो ज्ञातम शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तव्य रहर्षि। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। तो वो कह रहा है कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र से जानो, गीता से जानो कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, हमें क्या करना। कर्तव्य मतलब जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है वो कर्तव्य है, वो हमें करने हैं, हमें उसे
अपनाना है, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ऐसे ही कर्म करना चाहिए विधि विधान के साथ, जैसा विधि विधान से लिखा हुआ कि सुबह मंगल आरती करेंगे, एक माला जप करेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, प्रसादम बना के प्रसादम जैसा भोजन करेंगे, तो इसको बोलते हैं विधि विधान। और विधि विधान जान के ही कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। मतलब ऊपर, पहले हम गीता ज्वाइन की लेवल वन, तो हम गीता जाने, गीता के पहले नहीं जानते तो ये धीमे धीमे उठ रहे हैं, गीता जाने, ज्वाइन हुए एक माला जब चालू कर दी, उसके बाद जो दो माला कर दी, तीन कर दी, चार, ये धीमे धीमे उठना बोलता है। उसके बाद उसको हमने जो चार प्रिंसिपल बोले वो भी मानने चालू कर दिए, एकादशी का व्रत चालू कर दिया और वेद और शास्त्र गीता का अध्ययन चालू कर दिया, तो धीमे धीमे ये जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रमशः ऊपर उठना धीमे धीमे। और इसके लिए आप देखेंगे राइट साइड में कि भगवान भी को वेद और शास्त्र की नॉलेज थी, तब भी उन्होंने इस परंपरा में रहते हुए कर्तव्य को मानते हुए संदीपन मुनि के पास जाके उन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है। तो ये बताता है कि हम कितने भी चाहे शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो परंपरा है, जो परंपरा चली आई है, मनुष्य जीवन में भगवान भी अवतार देते हैं तो वो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा ही आपको करना है। वो ऐसा नहीं है, उन्हें सब नॉलेज थी तब भी उन्होंने स्टूडेंट बन के वहां पे गुरुकुल में पढ़ाई की थी, और वो ये दिखाया था कि मनुष्य चाहे किसी भी रूप में हो उसको हमेशा अध्ययन करना चाहिए और नॉलेज लेनी चाहिए। अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। वो कह रहे शास्त्र में ये दोष नहीं है, कौन से, ये है अपूर्ण इंद्रियां, मतलब इंद्रियां पूरी नहीं होना, कपटता, त्रुट करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बुद्ध आए तो उन्होंने क्या हुआ, जीव हत्या, हिंसा बहुत हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने बोला, तो लोगों ने सनातन धर्म छोड़ दिया और बुद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उस समय वो जरूरत थी। उसके बाद शंकराचार्य आए, माधवाचार्य आए, उन्होंने फिर बुद्ध की तरफ से सनातन धर्म लेके आए, क्योंकि वो जो जीव हत्या थी और जो वेद शास्त्र में लिखा हुआ था उसको लोगों ने ऐसा मिसयूज करना चालू कर दिया, उसके बाद वेद शास्त्र फिर वापस आए, फिर मानने लगे। तो ये सब जरूरत के हिसाब से, मनुष्य जब मोहग्रस्त में बहुत ज्यादा फंस जाता है तो उस हिसाब से अवतार लेते हैं, फिर जिस हिसाब से वो चलता मानता है उसके हिसाब से करते हैं, उसके हिसाब से वो अवतार लेते हैं। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि उसी तरह से जो ऋषि मुनि आचार्य हैं, उन्होंने किसी बगैर परिवर्तन के इसको स्वीकार किया वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कह रहा है कि शास्त्रों के नियमों को अगर नहीं माना है तो कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, मीन्स भगवत धाम नहीं जा सकता, बैंकुंठ लोक नहीं जा सकता है। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्रों के तात्पर्य को जो भली बात समझ लेता है और डेमोन्स्ट्रेट भी करता है और मानता है, वो भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। जो तीन गुण कौन से हैं, इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इससे के पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। वो कह रहे हैं कि मार्ग खुलने के लिए, मतलब दरवाजे तक पहुंचने के लिए, वैकुंठ लोक के दरवाजे तक पहुंचने के लिए कम से कम सतोगुण तक तो ऊपर उठना होगा। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नत का मार्ग दिखा सकता है। तो ये मार्ग आपको दिखा सकता है। मार्ग क्या है कि जैसे हमने पहले बताया कि अगर आप दीक्षा लेते हैं इस कोण में, जैसे दीक्षा लेते हैं, मेरा जैसे सेल्टर फॉर्म जा रहा है और दीक्षा होती है, तो दीक्षा क्या होता है, 16 माला जपा करते हैं और चार प्रिंसिपल करते हैं और प्रसादम जैसा भोग लगा के खाते हैं, और इससे क्या होता है, दीक्षा लेने के बाद जो पहले बताया हुआ कि आप बंध जाते हैं भगवान से, भगवान के जो भी मुख से निकला हुआ गीता उसका आप फॉलो कर रहे हैं। गीता क्या है, इटसेल्फ भगवान है, क्योंकि गीता को ना मानना मतलब भगवान की बात नहीं मानना। तो अगर वो आप मानते हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर है बोनाफाइड, वो आपको आज्ञा देता है और फोर प्रिंसिपल पूजा अर्चना ये करते रहते हैं, तो आपकी शुद्ध भक्ति में आते रहते। अगर आप बंधे हुए नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे फ्री हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि गुरु का जो उच्च पद होता है वो उन्नत के मार्ग दिखा सकता है। और हम क्या, हम जैसे क्लास में टीचर होता है, अगर हम सवाल गलत कर देते हैं और आंसर नहीं आता तो वो हमें करेक्ट करता है, तो ऐसे ही यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर है, वो करेक्ट करेगा। तो इसीलिए लेवल वन में हम गीता को समझते हैं
लेवल टू में हम गीता को और डिटेल में समझते हैं, एक एक श्लोका का मतलब समझते हैं, लेवल थ्री में गीता के एक एक श्लोका को फिर एक एक दिन में समझते हैं, ठीक, उसके बाद एक हफ्ते में समझते हैं। तो ऐसे करके गीता समझने का, गीता को टाइम लगाने का 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। जो बोले कि मैंने गीता 18 दिन में पूरी समझ ली, पूरा बता सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। ज्ञान एक बार में नहीं आता, बहुत बार में आता है। तो ये प्रभुपाद का वो था, हरे कृष्णा। अब इसको वो दिखाते हैं एसक्यू वाला, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ये छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर था। स्लाइड विजुअल है? यस यस प्रभु जी। हाँ, अब ये जो इसी से लिंक है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव से, इसका एसक्यू। अब हमें आईक्यू हमने देख लिया, ईक्यू देख लिया, अब हम देखते हैं कि एसक्यू कैसे बढ़ेगा, उसके साथ साथ ईक्यू और आईक्यू कैसे बढ़ेंगे, एसक्यू क्या रेफरेंस है और कैसे बढ़ सकता है, क्या इसमें गुण है, क्या इसमें क्वालिटीज है, क्या पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो आप घोड़े देख सकते हैं, ये एक्चुअली इंद्रियां हैं, इस पे बना हुआ भी है, जैसे आंख हो गया, मुंह हो गया। तो 5 जो हमारी इंद्रियां पहले बताई गई हैं, जिसमें कि आंखें, आंखें हमेशा हमेशा नहीं सुंदर स्त्री को ही देखें कि बहुत सुंदर है, लालसा आए, काम वासना आए, मैथुन की दिमाग में आए, नहीं, इससे भगवान के आचार विग्रह को देखना है, भगवान की मूर्ति देखना है। तो ये पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो असुर का है, दूसरा वाला देवी का है। अब हमारा मुख से हम गंदा गंदा बोलें, फिल्मों की बातें करें, गंदी गंदी फिल्मों की बातें करें, चुटकुले सुनाएं, तो वो क्या हो गया, असुरी हो गया। लेकिन इसको अगर देवी कैसे बनाते हैं, भगवान के प्रवचन, भगवान कीर्तन, संकीर्तन, जपा, ये इसके देवी गुण हो गए। कानों से हम जो कीर्तन हो रहा है, बैसड़ा बोल रहा है, गीता का पाठ हो गया, ये सुने। उसके अलावा फिर हम टीवी में जो चल रहा है, लोग जो सुना रहे हैं गंदा संदा, वो सुने, तो वो असुरी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नाक से हो गया, नाक से हम भगवान पे चढ़ाए हुए फूल सूंघ सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल जो हो गया, परफ्यूम हो गया और इत्र हो गया, जिसमें कि बाहर कहीं लगा के हम जाने वाले, किसी को, किसी लड़की से मिलने जाने वाले, उसको खुश करने के लिए, तो इंद्र मोह आ गया, तो वो असुरी प्रवृत्ति होगी। और लास्ट में हो गया हाथ, इन हाथ से जो स्किन हो गया, वो कुछ भी कर सकते हैं, उससे जितने भी काम होते सब हाथ से ही होते। तो उसमें हम भगवान की पूजा अर्चना, भगवान का मंदिर धोना, साफ करना, कपड़े पहलाना, सुबह शाम पूजा करना, ये कर सकते हैं। नहीं तो इसी से हम गेम खेल सकते हैं, इसी से हम जीव हत्या कर सकते हैं, इसी से हम कुछ भी जो है हमारे मोह के लिए वो हम कर सकते हैं। तो ये बोला गया। तो जब ये 5 घोड़े अगर को कंट्रोल करना हो, तो इनकी लगाम हो गया, ये जब इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो मन से ही कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद जो मन होता है, उसके बाद कहाँ था, बुद्धि बोला गया, जो ये सारथी है, जो इनको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद जो आत्मा होगी, जो पीछे बैठी हुई है, ठीक है। आत्मा को कैसे आपको किधर ले जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये 3 चीजें। आत्मा को शुद्ध बनाना है, बिल्कुल ट्रेवल फ्री उसको जर्नी देनी है, तो आप इन घोड़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, तो हमारा जो है आत्मा है वो शुद्धिकरण की तरफ चली जाएगी। अब कैसे उठते हैं, ये देखो बहुत अच्छा फार्मूला है, ये बता देता है कि कैसे। पहले हम बॉडली प्लेटफॉर्म से उठते हैं, ठीक है, शरीर के लिए हमें कर्म करने हैं, वो हम पहले सुधारते हैं। सकाम कर्म जो हो गया, ठीक है, निष्काम कर्म हो गया, विकर्म हो गया, तो विकर्म को बिल्कुल छोड़ देते हैं, सकाम कर्म को धीमे धीमे कम करते हैं, निष्काम कर्म को बढ़ाते हैं। उसके बाद सेंसुअल प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब जो कि हम जपा है, जपा 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और बढ़ा सकते हैं। फिर मेंटल प्लेटफॉर्म हो गया, जब सेंसेस हमारी कंट्रोल हो जाएंगी, तो हमारा इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, और इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी तो हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, उसके बाद हमारा क्या होगा, बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल हमारा आईक्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हो जाएगा, हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, कृष्ण भावना अमृत में चले जाएंगे, और हम वैकुंठ लोक के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगे। अब ये देख सकते हैं कि जो जीव है वो ऊपर, शेर भी किसी दूसरे पशु और पक्षी को खा रहा है, इधर मनुष्य भी खा रहा है, इधर ये आलसी लेटे हुए हैं और नीचे जो स्त्री के साथ जा रहे हैं, इधर सेना लड़ाई युद्ध कर रही है, इधर 2 हाथी युद्ध कर रहे हैं, इधर एक बछड़ा बैठा हुआ है, इधर एक शेर बैठा हुआ है, बछड़ा इनका शेर का शिकार है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रकृति के मोह के लिए होता है। ये ब्रेड और कुछ भी खा सकते हैं, और मीट भी खा सकते हैं, और एक तरफ ये है, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं रहा।
वो भी जीव हत्या कर रहा है, ये भी जीव हत्या कर रहा है, तो इंटेलेक्चुअल का कोई फायदा नहीं है। नींद लेना आलसी, तो नींद मनुष्य भी लेता है, नींद जानवर भी लेता, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल का फर्क है कि हमें बुद्धि दी हुई है भगवान ने। ये भी मेटिंग करते हैं और रहते हैं, और मनुष्य और पुरुष और स्त्री भी रहते हैं, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। तो जानवर जो कर लेता वो हम भी कर लेते हैं, मैथुन हम कर लेते हैं, जानवर भी कर लेता, संतान वो भी पैदा कर लेता, हम भी कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि वेद और शास्त्र में बोला गया कि हमें अगर शुद्ध भक्ति में है तो हम, अगर आसुरी प्रवृत्ति में नहीं है तो हमें ऐसे बिल्ली कुत्ते जैसे बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, ऐसा हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बताता है कि कम से कम जो जो लोग कृष्ण भावना अमृत में है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते और बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, तो ये मना किया गया है। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जब हम आसुरी प्रवृत्ति में होते हैं तो युद्ध बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि इससे दुनिया का नाश होगा, इससे जो है लोग मरेंगे, जो कि जिनका भी इनका दोष नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम ऐसी बुद्धि दिखाते हैं तो बिल्कुल बराबर है जानवर के, क्योंकि जानवर भी लड़ते रहते हैं, तो हम भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, आदमी से आदमी लड़ता है, पड़ोस से पड़ोसी लड़ता है, तो वो वैसे ही है जैसे कि बुल फाइटिंग होती है, जानवर लड़ते हैं, तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं, वो भी लड़ लेते हैं, हम भी लड़ लेते हैं, तो हमारी इंटेलेक्चुअल काम नहीं करती है। और जब जो सफरिंग बोली गई, जब हम इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, मन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर हम क्या, हम सफर करने लगते हैं, हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगती है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये बोला कि अथा ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब मनुष्य में बहुत सी जानने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन वो क्या जानता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अच्छा जानना है, वेद शास्त्र को जानना है या साइंस को जानना है, तो ये ऊपर इसका मतलब है। अब ये जो बकरा बंधा हुआ है, ये इसको हरी घास खाके बड़ा सुंदर, इसको मोह है, ये हरी घास खाके सोच रहा है कि मतलब मस्त जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए देगा, इसको ये नहीं पता है कि पास में ही मीट टंगा हुआ है, कि थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु आने वाली है, इसलिए उसको अच्छा चारा दिया जा रहा है, लेकिन वो मोह में है, वो खाए जा रहा है बढ़िया से कि बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो ऐसे ही हम नहीं समझ पाते ना? ये एग्जाम्पल वीडियो इसलिए दिखाई गई कि हम देख सकते हैं हमारा साइकिल कैसा है, हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हम किशोर अवस्था में आते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं, जो सिक्स स्टेप होते हैं प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, तो जन्म मृत्यु जरा व्याध जो बोला गया, फिर हमारे पास बुढ़ापा आता है, कोई ना कोई बीमारी आती है और हम मर जाते हैं, फिर कब्र में पहुंच जाते हैं, तो ये हमारी साइकिल, ये सत्य है, इसलिए वीडियो दिखाया गया है। जन्म के बाद मृत्यु हमारी अटल, मतलब टल नहीं सकते हैं,
ये क्या दिखाता है कि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि उसने इस संसार में आके इसमें इतना भौतिक सुख का आनंद लेने के लिए सभी शरीर सिरप है उनका इतना दोहन किया कि अपने हिसाब से उनको मारता है, उनका यूज करता है। इसलिए ये गलत है, वेद शास्त्र में इसको गलत बोला गया है। तो इसलिए जीव हत्या मना है, लेकिन यहाँ पे इंद्रिय जो भोग है वो चरम पर है, तो उसको वो अपनी सबको आधिपत्य समझता है कि मैं ही सब कुछ है। तो इसलिए इसमें ये दिखाया गया वीडियो में कि वो कैसे कैसे कंटिन्यू वन बाई वन जीव हत्या करता है, वो अपने केवल किसके लिए, अपने बॉडी के लिए, तो वहां से हमें उठना पड़ेगा। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी अ साइंटिस्ट एनालाइज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो उसने बताया हुआ कि ही सेड दैट द ह्यूमन बॉडी वाज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स। नंबर वन, आयरन टू मेक 6 स्मॉल नेल्स, कार्बन टू मेक 900 पेंसिल, शुगर टू स्वेटन 10 कप्स ऑफ कॉफी, पोटेशियम टू फायर 8 टॉय कैनन, लाइम एंड फैट टू मेक 7 बार्स ऑफ सोप, फास्फोरस टू मेक 20 मैच बॉक्सेस, बट टू फिल 10 गैलन्स। वो कहना चाह रहा है कि शरीर में इतने ज्यादा केमिकल्स, इतने ज्यादा भौतिक गुण हैं कि वो इतनी सारी चीजें एक शरीर बना सकता है, इतनी चीजें से मिलकर शरीर बना होता है। टोटल वर्थ ऑफ केमिकल्स, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, वाटर कंटेंट, अदर सब्सटेंसेस, टोटल वर्थ ऑफ केमिकल्स रुपीज 210। ये एक केमिकल उसने बोला कि 210 रुपीज के केमिकल से बना हुआ है, लेकिन उसका हम ये देख सकते हैं कि क्या इसका वैल्यूएबल है, विच इज मोर वैल्यूएबल, क्या है कि आगजनी, एक्सीडेंट, जान का खतरा, जान माल का खतरा, या The soul cannot be measured with any scientific instrument. Yet this minute non-material entity, the soul, is so powerful that it unceasingly activates each body throughout its entire lifetime. This tiny little spark of life thus moves from one body to another. This is called reincarnation. इससे ये दिखाया गया कि हमारा जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़ के, जब वो व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमारी हो जाती है, छोड़ के दूसरे में जाती है, इस आत्मा को हम किसी भी मेजरमेंट, मतलब कोई भी ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बना उससे मेजर कर पाए, और इसका जो भी होता है कि इसको ना तो सुखा सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ठीक है, नश्वर है। तो इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि हम वैसे ही, हमें अहम रहता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ये कर लें, हम पृथ्वी पे जितने सुख हैं उन इंद्रियों भोग चरम पर है हमारा कर लें, तो हम आसुरी प्रवृत्ति में आ जाते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इसका भी ऑल क्रिएटर्स है कोई, जिसके हाथ में ये कंट्रोल है। लाइफ, स्टेट ऑफ लिविंग, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, बर्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डेथ, कॉन्शियसनेस, ए वाइड रेंज ऑफ अवर एक्सपीरियंसिस, एक्सपीरियंसिस ऑफ कलर रेड ब्लू, एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वैरायटी ऑफ इमोशंस, बर्थ प्लेस ऑफ ऑल साइंटिफिक थ्योरीज, फ्री विल, इन्फ्रेंशियल नॉलेज कौन सी होती है, डोमेन ऑफ रियलिटी बियॉन्ड एक्सपीरियंस परसेप्शन, डोमेन ऑफ एक्सपीरियंस, टच, विजन, स्मेल, टेस्ट, साउंड, सबटल। क्यों, हमारे हर चीज के एक लिमिट है कि हम एक लिमिट की ही किलो हर्ट्ज सुन पाएंगे, एक ही हम लिमिट की हम देख पाएंगे और बोल पाएंगे, तो इससे ऊपर हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये फंडामेंटल पार्टिकल्स आता है कि हमारी ये हर चीज की लिमिटेशन है, तो इसीलिए
अर्जुन को दिव्य आंखें दी गई थी क्योंकि एक लिमिटेशन होती है हमारे आंखों की देखने, इसलिए वो उसी से वो देख पाए थे। अब ये कल करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल से, अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई भी भक्त जन हैंड रेस करें, क्वेश्चन पूछनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, हैंड रेस करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का कोई क्वेश्चन या सारा समझ में आ गया? कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या तो समझ में आया या समझ में नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। 16.10 फिर से जरा बोलिए, मीट का एग्जांपल। 16.10 एक भक्त जन है प्रभु जी, मिट्टू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप बहुत ही अच्छा समझाते हैं। मैंने इससे पहले NND प्रभु जी का भी लेवल 1 अटेंड किया था, पर लेवल 2 नहीं कर पाई थी, पर इससे बिल्कुल छूटना नहीं चाहती, तो मुझे मौका लगा तो मैंने फिर से लेवल 1 ज्वाइन किया। मेरा प्रश्न ये था, आपने जो एक अभी बताया था कि एज का जो आपने बताया था कि 50 वर्ष में, हाँ, 100 साल को 4 में ब्रेक किया गया है जी, तो वो गीता में कहाँ, कौन से अध्याय में या श्लोक में दिया गया है? हाँ, ये कैंटो श्रीमद् भागवतम कैंटो में अध्याय 16 के ही उसमें डिटेल, 16 में आप वो पढ़ेंगे तो उसमें आता है श्लोका में, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में भी आता है। और इसके तात्पर्य जो है वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, उसमें भी है। तो इसमें जो बोला गया कि हमारा जो लाइफ, जैसे हम सतयुग में थी वो 100,000 साल थी, उसके बाद 1/10 हो जाती है, तो उसके बाद द्वापर त्रेता में आते आते 1,000 साल होगी, और इसमें 1/10 होगी तो 100 साल होगी। तो 100 साल को ये बोला गया कि इसको 4 में ब्रेक करते हैं। पहले जो 25 साल है, तो तभी बोलते ना कि शादी तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो 0 से 25 साल है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। श्री प्रभुपाद ने ऐसे ही किया, तो 25 से 50 साल पे हमें गृहस्थ जीवन रहता है, 50 साल के 75 साल की उम्र तक हमें वानप्रस्थ में रहना है, और 75 से 100 साल की उम्र में हमें संन्यास ले लेना है। ये एक 4 वो है जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। इसे ही बिताना चाहिए, तो ये अगर बिताते हैं तो बिल्कुल ही हमारा जो हम जैसे बोलते हैं कि देवी गुड़, बिल्कुल देवी गुड़ जैसे, जो ऐसा करेगा तो ऑटोमेटिक ही देवी मा जाएगा, क्योंकि आज तो काम वासना सबसे चरम पे है, तो उसमें ब्रह्मचर्य और क्या, और क्या वानप्रस्थ और क्या संन्यास, वो हो ही नहीं पाता है जी प्रभु जी। जी हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में कि 16:10 फिर से जरा बोलिए, मीट का एग्जांपल, मतलब समझा नहीं मैं थोड़ा। चटर्जी माता जी दोबारा बोलेंगी, आप अनम्यूट करके बोलिए ना चटर्जी माता जी। अच्छा, एक एस चटर्जी, एस चटर्जी, हाँ चटर्जी माता जी बोलिए। मीट का एग्जांपल दिया ना, क्या क्या होता है, तो वो जरा फिर से मतलब एग्जांपल को लेके। कौन सा मीट का, जिसमें उम्र वाला? मीट खाने से क्या होता है, क्या बोला ना लोग ने? मैं समझने बोला, मैं एक 16.10 का जो श्लोक था ना, वहाँ पे एग्जांपल देके आपने अपने समझाया। कभी ना संतुष्ट मान ले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या तत्व, आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव छड़मंगर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं। इसमें मीट का जो असुर प्रवृत्ति बोला गया कि ये सब कुछ कर लेते पर इसको इनपे कंट्रोल नहीं होता है, तो इसमें असुरी लोग में जो पशुबद्ध है ना, पशुबद्ध मतलब पशु हत्या है, वो अत्यंत प्रधान होती है, मतलब मेन इनका पशु हत्या होता है, मीट खाना होता है जो मेन इनके गुड़ जो बोला गया है। और किसी भी क्षण ये खा सकते हैं, जब भी बोलोगे तो इसमें खा सकते हैं। और जब ये
वध करते हैं, तो जैसे मान लो एक कोई बकरा है या कोई जिसका भी खाते हैं ये, वो उसकी उम्र मान लो 5 साल है और इन्होंने इनकी वजह से इन्होंने कटवाया और खाया तो असमय हत्या हुई उसकी, तो 2 साल, तो 8 साल वो दोबारा योनि में नहीं आएगा, जो उसकी योनि डिसाइड होगी वो दोबारा फिर जानवर का जन्म लेगा, जब पूरे 10 साल कर लेगा उसके बाद उस योनि से उसे छुटकारा मिलेगा, वो मनुष्य की योनि में आना होगा अपने कर्म के साथ, तो मनुष्य योनि में आएगा अगर उसका पाप पूरा हो गया होगा, तो ये ऐसे आसुरी प्रवृत्ति बोली जाती माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विवेक, अवॉइड तामसिक फूड, ऑनियन गार्लिक, नॉन वेज, अवॉइड लिसेक्स, अवॉइड इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, तंबाकू, कॉफी, अवॉइड। हाँ बिल्कुल सही विवेक प्रभु जी, आपका बिल्कुल सही है, तामसिक फूड बाद में आता है जब हम दीक्षा इच्छा लेते हैं, उससे पहले ये 4 प्रिंसिपल आते हैं और 4 प्रिंसिपल करते हैं तो हमारा जो बोला गया वेद शास्त्र में, तो इससे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और काम वासना जो बोला गया कि काम क्रोध लोभ ये ऑटोमेटिक ही कम हो जाते हैं, क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो हम जैसे हमें सुबह सर्दी लगती है तो हम सर्दी में स्वेटर ना पहने रजाई नहीं लें तो हमें क्या होगा, तो हमें जुकाम खांसी बुखार हो जाएगा, ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया अब जुकाम खांसी हो गया, अब इसे सही करना है, तो हम इतने ज्यादा बीमार हो चुके हैं कलयुग में तो हमें सही करना है, तो सही करने के लिए अब दवा लेनी है, अब हमने सर्दी तो ले ली है, रजाई स्वेटर नहीं पहना है तो सर्दी तो ले ली, अब सर्दी को ठीक करना नहीं तो मौत हो जाएगी, तो ऐसा ही इसमें है कि हम काम वासना काम क्रोध में इतने हो जाते हैं कि यह दवा लेनी पड़ेगी। और कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्या किया गया है कि 16 माला जो चैंट और प्रसादम और 4 प्रिंसिपल जो है वो हमें प्रिस्क्राइब किए गए, जैसे डॉक्टर करता है वैसे वेद शास्त्र में किया गया। कब तक ब्रह्मचाल पालन करते रहना है, 25 साल तक जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ 25 साल तक करना है, उसके बाद अब ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद गृहस्थ जीवन चालू हो जाता है। और बच्चे भी पैदा करने हैं वो बोला गया, ऐसे नहीं करने जैसे कुत्ते बिल्ली करते हैं, वैसे नहीं करने, बिल्कुल ढेर लगा के रख दिया, तो प्रभु सिरुल प्रपात भी बोलते हैं कि हमें मनुष्य है, मनुष्य जैसा ही हमें करना चाहिए, कुत्ते बिल्ली जैसा नहीं करना चाहिए, हम कृष्ण भावना अमृत हैं, हमें कृष्ण की संतान जिसे बोलते हैं कृष्ण जैसा अंश पैदा करने के लिए केवल संभोग करना चाहिए, ना कि अपनी आत्मा और अपनी जो आसक्ति बोलते हैं और तृप्ति जैसे बोलने लगते हैं, क्योंकि हम बोलने लगते हैं कि हम काम वासना के लिए आत्मा पे रख देते हैं, तो ऐसा नहीं, हम हमेशा अपनी बॉडी के लिए करते हैं, तो अपनी इंद्री भोग के लिए हमें नहीं करना चाहिए। यस चटर्जी, प्याज लहसुन और गार्लिक ये सब तो फल हैं ना, जीव हत्या तो नहीं है, तो इन्हें नॉन वेज मैंने क्यों नहीं, ये नॉन वेज नहीं है माता जी, ये आप खा सकते हैं, ये जब दीक्षा लेते हैं और जब हम इसकी तुलसी की माला कंठ में पहनते हैं तो ये मना इसलिए किए जाते हैं, ये तामसिक होते हैं, ये नॉन वेज नहीं है, तामसिक मतलब होते हैं ये काम क्रोध मोह को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये काम वासना को बढ़ाते हैं इसलिए इनका मना किया, क्योंकि आपको डॉक्टर बिल्कुल सही करेगा ना, तो डॉक्टर आपको बोलता है ना कभी ये मत खाना, जैसे आपको खांसी हो जाती, गला खराब हो जाता, वो कहे अचार मत लेना, खट्टा मत लेना, तो मना करता तो आप उससे बोल सकते ना, ये तो हम डेली खाते हैं तो अभी क्यों नहीं खाएं, तो ऐसे ही यहाँ पे डॉक्टर है वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है जो आपको मना कर रहा है कि जो प्याज और लहसुन है ये तामसिक होता है, ये काम क्रोध आपके सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, और सेक्सुअल डिजायर इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है, मनुष्य में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वो इसी की वजह से जितने भी जन्म मृत्यु जरा व्याध वो बार बार इसी की वजह से आती है, इंद्रिय भोग की वजह से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विवेक प्रभु जी ने बताया नर्व स्टिमुलेशन इंक्रीज करते हैं। हाँ अच्छा, बोनाफाइड गुरु किन्हें बोला जाता है? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माता जी। अच्छा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर उसे बोला जाता है, आप उसे चेक कर सकते हैं वेद और शास्त्र में जो लिखा हुआ, जिसका गुरु शिष्य परंपरा हो, मतलब जिसका गुरु हो, जैसे आपने किसी मान लो किसी एनएनडी प्रभु जी का एग्जांपल लेते हैं, एनएनडी प्रभु जी हमारे गुरु हैं, तो हमने चेक किया कि उनके गुरु हैं कि नहीं है, तो उनके स्वामी जयपताका महाराज उनके गुरु हैं, जो कि सिरिल प्रपाद के जो शिष्य होते हैं, पहली लेयर शिष्य है, मतलब वो डायरेक्ट सिरिल प्रपाद से उन्होंने दीक्षा ली, उनके
श्री जयपताका स्वामी महाराज के कौन है, श्रील प्रपाद के, श्रील प्रपाद के सरस्वती ठाकुर है, तो ऐसे करके हमने देख लिया। तो वो श्री कृष्णा तक गया हुआ है गुरु शिष्य परंपरा में। तो जिसका गुरु होगा वो क्या होगा, इस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होगा, उसे वेद शास्त्र की नॉलेज होगी, वो आपको गलत नहीं बताएगा। गुरु लोग तो लोग यज्ञ में बलि देते हैं जैसे काली माता को दी जाती है, क्या ये सही है? जबकि सभी जीवों की माता है काली, तो क्या माता अपने बच्चों की बलि क्यों देती है? ये धीरज प्रभु जी, ये अपना अपना धर्म का अपना अपना मान्यता है, क्योंकि माता जो है दुर्गा माता होगी, शिव जी हो गए, उनके हम सभी पुत्र हैं, हम संतान हैं, तो अपने जो पूर्वज हमारा चले आते हैं उससे करते चले आते हैं। लेकिन हमने ये पहले भी बोला हुआ है कि अपना हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जब धीमे धीमे हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, जैसे हमने गीता पढ़ ली, जैसे बच्चा होता है छोटा, वो जब छोटा होता वो जो लॉ होती है, जैसे दिए की फ्लेम होती, उसे नहीं जानता है कैसी है, तो वो चली वो चलता आता है, उसको टच कर लेता है, या उसको बिजली का करंट एक बार झटका लग जाए फिर दोबारा नहीं पकड़ता है वो कभी भी। ऐसे ही हमारा है कि हम बलि दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आपके धर्म और शास्त्र के हिसाब से जो लिखा हुआ है कि देना है, क्योंकि आपके वो कल्चर में चला आया है, क्योंकि आपके उसके आपके जो खुद का धर्म है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब वेद और शास्त्र उसको बोलते हैं कि ऐसे करो, तो आप वेद शास्त्र की तरफ आते हैं तो आप समझ सकते हैं, तो आप स्वेच्छा से उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं होती आपको छोड़ना है, आप समझ जाएंगे तो छोड़ देंगे, आप अज्ञानी हैं तो नहीं छोड़ेंगे, तो ये आ जाता है। हरे कृष्णा। बोनाफाइड मींस मतलब प्रमाणिक गुरु, यस, प्रमाणिक का मतलब, हाँ माता जी, प्रमाणिक का मतलब यही हो गया कि जो हम देखते हैं उसका गुरु है कि नहीं है। गुरु होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। अगर वो उसका गुरु होगा तो ऑटोमेटिकली वो वैष्णव हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, क्योंकि उसको गुरु गुरु शिष्य परंपरे में उसको दीक्षा जब तक नहीं मिलेगी जब तक वो वैष्णव के बाद कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हो गया, हो गया, ठीक है। तो आज चलते हैं, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और प्रभु जी हैं, सुरेंद्र प्रभु जी, बनाली माता जी भी आई हैं। यस, बनाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत खुशी माता जी आई हैं। और सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास भी, बहुत अच्छा था। अच्छा, मजा आ गया। बस ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए, ऐसी कृपा बनाए रखिए दोनों लोग, और अच्छा जाएगा ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अरविंद प्रभु जी, आपको भी, आप बहुत अच्छा रिसाइटेशन करते हैं तो अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और मेरे साथ बोलें। हरे कृष्णा। एक एक बांछा कल्पत रूपस्य पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, वैष्णव कोटि कोटि श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, तो श्री श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे बोल।